नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। यानी कि आज हम इस वीडियो में विटामिन्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, और इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो विटामिन्स का अर्थ देखें तो वीटा का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, एमाइन का अर्थ होता है इसेंशियल यानी कि आवश्यक। तो विटामिन्स वे पदार्थ होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और इनकी जो सूक्ष्म मात्रा है वो जंतु के शरीर के अंदर जो सामान्य रूप से होने वाली जो उपापचय क्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक होती है। यानी कि ये जो विटामिन्स होती हैं उनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा भी उस उपापचय क्रिया को प्रभावित करती है जो कि हमारे शरीर में होती है, उनके लिए ये विटामिन्स आवश्यक होते हैं। सन 1881 ईस्वी में एनआई लूनिन ने विटामिन्स की खोज की, और इन्होंने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन पदार्थों की भी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक या आवश्यकता होती है। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि जो स्वस्थ शरीर होता है उसके लिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में जो पदार्थ ग्रहण करते हैं उनके साथ में सूक्ष्म मात्रा में विटामिन्स की भी आवश्यकता होती है। और फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, और विटामिन की खोज का श्रेय भी फंक को ही जाता है। इसके बाद में होपकिंस और फंक थे, इन्होंने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत की थी। इन्होंने बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। यानी कि कोई भी शरीर के अंदर जो रोग होता है वो किसी न किसी प्रकार का विटामिन है उसकी कमी के कारण ही होता है। ये होपकिंस और फंक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जो आगे नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन या तो स्वयं उपापचय उत्प्रेरकों का काम करते हैं या सह एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। यानी कि विटामिन होती हैं जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें उत्प्रेरकों के रूप में उपस्थित होकर के उनकी क्रियाओं को बढ़ाते हैं, या फिर जो सह एंजाइम होते हैं जैसे एनएडी, एनएडी प्लस आदि के संयोजनों में भाग लेते हैं। सभी विटामिनों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा आता है वसा में घुलनशील विटामिन। यानी जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो आवश्यकता से अधिक मात्रा वो मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। और क्योंकि इनका जो शरीर में इनका संचय नहीं होता है इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन के साथ ग्रहण करना आवश्यक होता है। यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं उनका शरीर के अंदर संचय नहीं होता है, इस कारण प्रतिदिन भोजन के साथ में हमें ये विटामिन लेने जरूरी है। नेक्स्ट आता है फिर वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वो क्या होती हैं, वसा में घुलनशील होती हैं, इस कारण वो हमारे शरीर के अंदर संचित भी रहते हैं। इनको जो डेली डाइट होती है उसमें आवश्यक नहीं होता इतना लेना। वसा में घुलनशील विटामिनों का मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता है, और ये हमारे शरीर के अंदर यानी जो वसा ऊतक होती हैं उनमें इनका कुछ मात्रा में संचय होता है या संग्रहित होता है, जिसके कारण इन्हें प्रतिदिन जो डाइट होती है भोजन होता है उसके साथ ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हमारे शरीर के अंदर जो वसा ऊतक होते हैं उसमें संचित रहते हैं, इस कारण इनको प्रतिदिन भोजन में ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन जो जल में घुलनशील विटामिन है वो डेली भोजन में लेना आवश्यक होता है। तो अब हम जो आगे जल में घुलनशील विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन है उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो जल में घुलनशील विटामिन है उनकी बात करें तो उसके अंदर दो विटामिन आते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसके अंदर ए, डी, ई, के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो पहले जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसके अंदर दो विटामिन आते हैं, विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन बी है वो क्या होते हैं, बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है, इस कारण इन्हें विटामिन को बीटा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जैसे विटामिन बी की बात करें, सबसे पहले
विटामिन बी की जो खोज है सबसे पहले 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने चावल की छिलन से पृथक किया था। इन्होंने इसे विटामिन बी नाम दिया था। इसके बाद लगभग 10 ऐसे ही विटामिन की खोज की गई थी। इस कारण विटामिन बी को सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है या बीटा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यानी कि आपको इसमें याद ये रखना कि विटामिन बी की खोज की थी फंक नामक वैज्ञानिक ने, और इनके जो सामूहिक रूप से इन्हें बीटा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसमें लगभग 10 एंजाइम हैं, सॉरी 10 विटामिन हैं जिनको सामूहिक रूप से बीटा कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो नाम है वो देखते हैं अलग अलग प्रकार। तो सबसे पहले विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं हम। सेकेंड आता है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन। थर्ड है विटामिन PPD, यानी कि फोर्थ है विटामिन B6। नेक्स्ट है फिर पेंटाथेनिक एसिड, फिर विटामिन H, फिर फोलिक एसिड, और फिर आता है विटामिन B12। ये होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्रकार, यानी कि विटामिनों का समूह होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक होते हैं। विटामिन B12 होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अब विटामिन की अच्छा लीनियर डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी यानी कि थायमिन, तो जो कि बीटा कॉम्प्लेक्स में आते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर। विटामिन सी की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है या वैज्ञानिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। ये आगे हम डिटेल से देख लेंगे फिर से। नेक्स्ट आता है फिर वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसके अंदर आते हैं विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनोल, विटामिन डी जिसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई जिसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है नेप्टोक्विनोन। तो इस प्रकार से ये जो विटामिन है उसका लीनियर डायग्राम के द्वारा हमने देखा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें विटामिन ए और सी सॉरी विटामिन बी और सी आता है, और उसके अंदर ए डी ई के। तो आज हमें सबसे जो कुछ विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है वो देखते हैं। विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है विटामिन मत किसने प्रस्तुत किया था, ये हॉपकिंस तथा फंक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विटामिनों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, तो दो भागों में, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों विटामिनों के नाम लिखिए, तो दो ही विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आता है फिर, विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो ये हमने पीछे देख लिया विटामिन बी की खोज वो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, वसा में घुलनशील किसी एक विटामिन का नाम बताइए, तो वसा में घुलनशील चार हैं, उनमें से एक है विटामिन ए। कौन सा भी बता सकते हैं आप, विटामिन ए बी ए डी ई के इनमें से, तो विटामिन ए है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, जो हमने पहले बताया एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है, रेटिनोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये भी मैंने पहले बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। किन विटामिन को प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक होता है, तो ये वो विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, उनको भोजन में लेना आवश्यक होता है क्योंकि इनका शरीर में संचय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह है कि किन्हीं दो विटामिनों के नाम बताइए, तो बी में कोई भी दो नाम बता दो आप, विटामिन B6, विटामिन B12 या और भी बहुत सारे, उनमें कौन सा भी नाम बता सकते हो आप। इस प्रकार से हमने विटामिन है उनके बारे में डिटेल से स्टडी की है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और धन्यवाद।